अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो कोफ्ता स्टफ ग्रीन मसाला है। आज हम आप लोगों को कोफ्ता स्टफ ग्रीन मसाला बनाना बताएंगे, तो चलें देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ हमारे पास बीफ का कीमा है, ये मशीन का कीमा है, बिल्कुल हमें कीमा रूखा लेना है। यहाँ हमारे पास आधी प्याज है जो मैंने चॉप कर ली है, चार हरी मिर्चें। यहाँ हमारे पास 4 टेबलस्पून हमने बेसन लिया, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून हमें अदरक लहसुन पेस्ट चाहिए, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये 2 स्टेप में मैं आप लोगों को कोफ्ते बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को इसकी ग्रेवी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने कीमा जब भी हम लें तो उसके साथ साथ हमने इसे कीमे को धोकर इस तरीके से छलनी में रख लेना है ताकि ये सारा जो पानी है इसमें से निकल जाए। इस तरह से करने से हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। चलें फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमें एक मिक्सिंग जार की ज़रूरत है, इसमें हमने हरी मिर्चें डालनी हैं, प्याज चॉप है वो डालेंगे हम, इसे मसाले को हमने थोड़ा सा पीसना है, साथ ही हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इन सबको हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। ये देखें इस तरह से हमें दरदरा ये मसाला हमने इसमें पीसना है। इसके बाद हम इसमें जो हमने ये कीमा लिया है इसमें इसे डालकर हम पीसेंगे, एक बार और पीस लेंगे। जितना हमारा कीमा बारीक फाइन होगा इतने ही कोफ्ते अच्छे बनेंगे। इस तरीके से हम इसे पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितना फाइन हमारा ये कीमा पिसा है। अब हम इसको इस तरह से इसमें निकाल लेंगे एक बाउल में। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट कीमा हो जाता है इस तरीके से। और जो बाकी का कीमा है वो भी मैं ये मसालों के साथ पीसती हूँ। ये हमने कीमा डाला इसमें, बाकी के ये जो मसाले हैं ये हम इसमें डालेंगे। उसमें हमने हरा मसाला डाल के पीसा है, ये सब हम बाद में इकट्ठा कर लेंगे। और ये अदरक लहसुन डालेंगे, भुनावा बेसन हम डाल रहे हैं, आप इसकी जगह भुने हुए चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने 3 स्टेप करके इसे गोश्त को कीमे को पीसा है, क्योंकि मेरे पास ये छोटी सी डब्बी है इसमें मैंने पीसा है। आप लोगों के पास बड़ा बर्तन हो जिसमें आप पीसते हैं अपने मसाले चीज़ें कीमा वगैरह, उसमें पीस सकते हैं। मेरे पास ये छोटी डब्बी थी तो ये मैंने इसमें मैंने ग्रीन मसाला डाला है, ये मैंने जो अपने मसाले थे वो डाल के पीसा और ये मैंने खाली कीमा पीसा है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें हाथों की मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम आपको अगला स्टेप बताते हैं हमने क्या करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट आपके ये कोफ्ते बनेंगे इस तरीके से आप बनाएंगे। ये देखें ये जो बाकी मेरा बेसन रह गया था मैंने वो भी डाल दिया है, 4 टेबलस्पून सारा इसमें बेसन जाएगा, भुना हुआ बेसन। ये बाइंडिंग के लिए होता है, कोफ्ते हमारे इससे टूटते नहीं हैं, इस तरीके से बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और इस पॉइंट पर आप लोग नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। मैं बहुत ही मुनासिब मसाले बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग मसाले नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं। कोफ्तों के अंदर जो हमने स्टफिंग करनी है उसके लिए मैंने ये एक दरमियानी प्याज चॉप कर ली है बारीक, ये हम कोफ्तों के अंदर स्टफ़ करेंगे। इस तरीके से आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, ये मेरी अपनी रेसिपी है। और ये अदरक है चॉप, ये हमारे पास 2 टेबलस्पून है, 3-4 हरी मिर्चें, हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा ये हरा धनिया। इस मसाले को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम अपने कोफ्तों में इसकी स्टफिंग करेंगे। इस तरीके से आप लोग बनाएं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने कीमा मिक्स कर लिया, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से मसाले यकजान हो जाएं। और नमक मिर्च आप इस पॉइंट पे चेक करके डाल सकती हैं अगर आपको कम लगे। मुझे भी थोड़ा सा नमक कम लगा था, मैंने इसमें
थोड़ा सा नमक डाला है। अब मैं आपको इसके कोफ्ते बनाना बताती हूँ। ये देखें, अब हम इसमें से एक पोर्शन लेंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे फैलाएंगे और ये जो हमने मसाला लिया था इसके अंदर इसकी स्टफिंग करेंगे। यकीन जाने ये इतने मज़े के कोफ्ते लगते हैं, आप लोग इस ईद पर ज़रूर बनाएं। इसको इस तरीके से दबाते हुए हम कोफ्ते का शेप देंगे और थोड़ा सा हाथ अपना गीला करेंगे, चाहे आप तेल से करें या पानी से। और ये देखें, ये हमारा कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे यहाँ प्लेट में रखेंगे और बाकी के कोफ्ते में बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कोफ्ते हमने बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। और इस तरीके से आप लोग भी कोफ्ते बनाएं, बहुत ही देखें कितने सॉफ्ट और चिकने कोफ्ते बने। जब भी कोफ्ते बनाएं उसको अच्छी तरीके से इस तरीके से राउंड ज़रूर करें। इस तरीके से कोफ्ते चिकने बनते हैं और ये टूटते नहीं हैं। ये मैं आप लोगों को टिप्स भी साथ के साथ दे रही हूँ। देखें, कोफ्ते तो हम लोगों ने बना के रख लिए। अब दूसरा स्टेप है इसकी ग्रेवी का। ग्रेवी के लिए जो हमें अज्जा चाहिए, यहाँ मैंने दो दरमियानी प्याज लेके उसे फाइनली पेस्ट बना लिया है। और यहाँ अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 कप हमारे पास दही है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें पिसी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। हरा धनिया हमें गार्निशिंग लिए चाहिए और हमें 1 कप तेल की ज़रूरत है। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी। ये हमने एक पैन रख दिया है चूल्हे पर और हम इसमें अब तेल डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें हमने साबुत गरम मसाला डालना है, वो मैं आपको बताना भूल गई। ये 3-4 हमारे पास काली मिर्चें हैं, 4 लौंग है, 1/2 टीस्पून हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ी सी दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। इसे हम तेल में डाल के कड़कड़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से गरम मसाले कड़कड़ा गए। अब हम इसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून जो बताया था वो डालेंगे और इसे भूनेंगे। अदरक लहसुन ये देखें थोड़ा सा भून गया। अब हम जो पिसी हुई प्याज थी उसमें लाए रखमान लेकिन ये डालेंगे। प्याज देखें, हमने प्याज को भी भून लिया है। अब हम इसमें अपने जो ड्राई मसाले हैं, धनिया पाउडर, मिर्चें, नमक, हल्दी, ये हम डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखें मसाला हम इसे भून रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे और दही को भी हमने अच्छी तरीके से फेंट के डालना है। दही को फेंट कर डालते हैं, अगर ऐसी डाल दें तो इसमें फुटकियाँ बन जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालकर भी हमने 1 मिनट के लिए इसे भूना है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा नहीं भूनते, मसाले को ज़्यादा खुश्क नहीं करते, फिर हमें दोबारा पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरीके से हम डालेंगे तो जो हमने दही डाला है इसी के पानी में कोफ्ते हमारे पक जाएंगे। और इसको हमने चलाना नहीं है, इसको हमने इसी तरीके से पकाना है और ढक्कन भी अभी नहीं ढकना। ये भी छोटी सी टिप्स है, अगर आप इस पॉइंट पे ढक्कन ढक देंगे तो कोफ्ते आपके फट जाएंगे। इसको हमने इसी तरीके से पकाना है, 1 मिनट तक ये इस तरह से पकते रहेंगे, फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे। देखें बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो कोफ्ते हैं वो सेट हो गए हैं। अब इस तरीके से हमने इसको घुमाना है, घुमाते हुए हम लोग इसको ये देखें बहुत अच्छी तरीके से अब हो गए। अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं। इस तरीके से हमने कोफ्तों को भूनना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इस पॉइंट पे अगर आप लोग अंडे डालना चाहें तो अंडे भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, मगर मैं आज इसको इसी तरीके से बना रही हूँ। तो हम इसमें ये हमारे तैयार हो गए, मसाला अच्छी तरीके से भून गया है, तेल देखें सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पे हमने
गरम मसाला इसके ऊपर डालना है और हरा धनिया। ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हैं। ये हमने कोफ्ता स्टक ग्रीन मसाला आप लोगों को बनाना बताया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी भी मेरी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथ बने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।